दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय है और मैं आज आपको जो नई पॉलिसी आई है अफोर्डेबल की, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो पुरानी पॉलिसी जो पॉलिसी थी 2013 में, उसके अनुसार जो था, जो बिल्डर है वो मिनिमम 5 एकड़ से 10 एकड़ में जो कॉलोनी है उसको डेवलप कर सकता था, पर नई पॉलिसी के अनुसार जो है उसका एरिया जो है बढ़ा दिया गया है, जो कि 30 एकड़ कर दिया गया है। और पहले अक्सर कस्टमर को, जो खरीदार थे, उनको शिकायत रहती थी कि इसमें कार पार्किंग नहीं है। मैं दोस्तों आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि इस पॉलिसी के अनुसार जो है, बिल्डर जो पहले टू व्हीलर का प्रोविजन देता था, अब नई पॉलिसी के अनुसार उसे कार पार्किंग भी वो दे सकता है। पर दोस्तों ये कार पार्किंग जो है वो फ्री नहीं होगी, ये टोटल वैल्यू का जो है, बिल्डर इसका टोटल वैल्यू का 5% से ऊपर नहीं ले सकता है इस पॉलिसी के अनुसार। इससे जो पहले अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज में पार्किंग की दिक्कत रहा करती थी, कार पार्किंग की, वो कुछ हद तक दूर होने की संभावना है। ये पुराने जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पे एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, जैसे ही मुझे इसके बारे में क्लियर जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं इसके बारे में कोई जानकारी दूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ सके और आप इस नई जानकारी से तुरंत अवगत हो सके। शुक्रिया। जय हिंद।